राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं की यही परेशानी, बड़बोले होते, बिना सोचे समझे बोल दिया। नीतीश कुमार जी किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे? ये 20 साल से किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं? अगर आपने यानी ये बयान सोच समझ के दिया तो ये सही नहीं है, ये सब सही नहीं है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप को, सीरियस है वो लोग और उनको कंट्रोल करना। इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है, लेकिन कल जब इससे जुड़ा सवाल आरजेडी के नेताओं से पूछा जा रहा था तो आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि सब चीज होगी, लेकिन जब बात बिहार के सियासत पर आई तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लालू जी के आशीर्वाद से बिहार की जो सीएम की कुर्सी है वो मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी हैं खाली धनवर जी। खाली धनवर जी, क्या किसी एक सिंगल नेता के आशीर्वाद से कोई सीएम बनता है? देखिए, कौन नेता क्या बोलता है, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं की यही परेशानी, बड़बोले होते, बिना सोचे समझे बोल दिया। और मुझे नहीं लगता कि इसको लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी पसंद करेंगे। नीतीश कुमार जी किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे? ये 20 साल से किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं? बिहार की जनता के दिलों पर राज करते हैं नीतीश कुमार, बिहार के लाल हैं नीतीश कुमार, और बिहार की जनता चाहती है, जनता के आशीर्वाद से हैं। आपके आशीर्वाद से कैसे हो सकते हैं भाई? और आप जिनका नाम ले उनके आशीर्वाद से कैसे हो सकते हैं? मैं बहुत डीप में जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तकलीफ हुई है इस बात से, और हमारी पार्टी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से अगर आपने इनोसेंटली बोल दिया तो कोई बात नहीं, अगर आपने यानी ये बयान सोच समझ के दिया तो ये सही नहीं। सवाल तो बनता है ना, कल जो पार्टी हुई दही चूड़ा की, वहाँ पर भी नाराजगी दिख रही थी, और इन तब तमाम चीज़ों पर जब सवाल पूछा जाता है और प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, डील का भी चर्चा किया गया था, और उस सब उसके बाद अगर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती है, क्या नाराजगी है? अगर नाराजगी होती तो क्या नीतीश कुमार चले जाते वहां पे? क्या नाराजगी होती तो नीतीश कुमार अपने घर से पैदल जाते? हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी जाते वहां पे? हमारे अंदर कोई नाराजगी नहीं है, हम बहुत दिल साफ करके और बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए आपके साथ आए हैं। बिहार का विकास हो, देश का विकास हो, और भारत से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, जनता को मुक्ति दिलाई जाए, इसलिए हम साथ आए हैं। हम इसलिए नहीं आए हैं कि आपकी बातें सुने और किसी भी पार्टी के उल्टे सीधे बड़बोले नेताओं के उल्टे सीधे कमेंट सुने, ये सब सही नहीं है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप को, सीरियस हैं वो लोग और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाने के लिए सूत्रधार नीतीश कुमार बने, तमाम विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर रहे, ये सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पा? देखिए, नीतीश कुमार जी की नीयत आप लोग जानते हैं और देश के 130 करोड़ लोग जानते हैं। हमने, नीतीश कुमार जी ने यह कदम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं उठाया। कोई अगर ये समझता है कि विपक्षी एकता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, तो ये गलतफहमी में है। हमने 130 करोड़ भारतीयों के लिए ये कदम उठाया, और हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है, हमारे नेता ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अफरा तफरी मचा रखी है, जिस तरह से किसान परेशान है, महिला परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, हर क्लास के लोग परेशान हैं, उनको मुक्ति मिले भारतीय जनता पार्टी से। और 28 पॉलिटिकल पार्टियों की विपक्षी एकता हुई, बैठक हुई, लेकिन जिस पार्टी को लीड करना है, जो बड़ी पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हमको लगता है ऐसा कि उस पार्टी की रफ्तार वो नहीं है जो हम लोग चाहते थे, और उसकी वजह से डिले हो रहा, आज तक नहीं हुआ, और देखिए आगे कितने दिनों में होता है। सीट शेयरिंग पे इतनी माथापेची की जरूरत नहीं, कांग्रेस को समझौता करना चाहिए। कांग्रेस को अगर सत्ता परिवर्तन करना है देश के अंदर, तो उन्हें नीतीश कुमार के विजन के मुताबिक चलना चाहिए, और खासतौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी के इलाके में बिल्कुल फ्री हैंड देना चाहिए था नीतीश कुमार जी को कि आप देखिए कौन जीतने वाला है, उसको टिकट दी, आप यहां बार्गेन करेंगे कि इतनी सीट कम लड़ेंगे उतनी, ये सिंबल की बात है क्या? यहां बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से देश को कैसे मुक्ति मिले, इस पे काम करना है।
लेकिन जो क्षेत्रीय नेता है वो कर रहे हैं और अभी तक डिले हो रहा है। देखिए निश्चित तौर पर समझौता और जो बार्गेनिंग है वो कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। समझौते की अगर बात है तो नीतीश कुमार को आगे करके जो सीट शेयरिंग है उसके पेज को खत्म करना चाहिए। वहीं जो बयान आरजेडी के तरफ से लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने उस पर साफ कहना है कि नेता हैं और बड़बोले नेता के इस बयान से जरूर कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी होगी और उसको वो संज्ञान में लेंगे। बने रहेगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।